नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त, कॉरपोरेट टैक्स और बिजनेस कंसल्टेंट और प्लानर एक बार फिर आ गया हूँ। कैश ट्रांजेक्शन के लिमिट, उसकी अलायबिलिटी और उसके पेनल्टी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ध्यान से सुनिएगा। तीन पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहला, एक्सपेंसेस या पेमेंट जो कि कैश में करते हैं, वो पहला कैटेगरी है मेरा। पेमेंट, कैश पेमेंट मेरा पहला कैटेगरी है। इस दूसरा कैटेगरी है कैश रिसिप्ट्स। तीसरा कैटेगरी है लोन रीपेमेंट। तो सबसे पहला कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट में सेक्शन 40A(3), 40 कैपिटल ए ब्रैकेट में 3, ये सेक्शन इनकम टैक्स का है, जो कि ये कहता है कि 10,000 रुपए से ज्यादा अगर आप कैश पेमेंट पे कोई एक्सपेंसेस करते हैं किसी एक दिन में, तो फिर वो डिसअलाउड हो जाता है, पूरा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। अगर आपने 11,000 रुपए का पेमेंट कर दिया तो पूरा 11,000 डिसअलाउड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 10,000 रुपए से ज्यादा किसी एक दिन में कैश का एक्सपेंडिचर नहीं करना है। अगर आपको 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने की जरूरत है तो 10,000 रुपए तक कैश में खर्च करिए, उसके ऊपर आप चेक से पेमेंट कर देंगे तो उस दिन में ये 10,000 रुपए से ज्यादा वाला अमाउंट हिट नहीं करेगा। तो सेक्शन 40A(3) के हिसाब से एक्सपेंसेस को हमको 10,000 रुपए से ज्यादा किसी भी एक दिन में कैश में पेमेंट नहीं करना है, अदरवाइज बिजनेस में उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 43, पहला जो मैंने बताया वो सेक्शन 40A(3) था, जो कैश एक्सपेंसेस से रिलेटेड था। दूसरा 43 सेक्शन 43 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, वो ये कहता है कि अगर हम किसी भी एसेट, जो कि बिजनेस के लिए कोई भी संपत्ति वाले कैटेगरी में आता है, उसका पेमेंट करते समय 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश अमाउंट पे कर देते हैं, तो जितना अमाउंट हमने कैश में पेमेंट किया वो पूरा अमाउंट डिसअलाउड हो जाता है और आपके उस एसेट या संपत्ति का पार्ट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 45,000 रुपए का एक कंप्यूटर है मान लेते हैं, मुझे ये पता है कि मेरे बैंक खाते में 30,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो मैंने कंप्यूटर शॉपकीपर को बोला कि 30,000 रुपए का मैं आपको चेक दे रहा हूं और ये रखिए 15,000 रुपए का कैश। 10,000 हिट कर गया, इसका मतलब यह हुआ कि वो जो 30,000 आपने चेक में दिया ना दोस्तों, वो 30,000 खाली आपके कंप्यूटर का कॉस्ट में लिया जाएगा और जो 15,000 आपने कैश में दिया, बिजनेस की पूंजी मतलब कैपिटल से वो पैसा चला जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि जो पूंजी हमने 10% 20% 30% टैक्स पटाकर इतना मेहनत से बनाया, उसमें से ये प्रोविजन सेक्शन 43 जिसको नहीं पता, वो सीधा सीधा वो पूंजी, वो 15,000 उस कैपिटल से माइनस हो गया। आप सोचे कि जितना हमारा सेक्शन 43 में ऐसा लॉस हो जाएगा, उतना हमारा जो टैक्स पे करके कैपिटल बनाया उसका लॉस हो जाता है। तो एक बार रिवाइज करता हूं, एक्सपेंसेस का डिसअलाउंस सेक्शन 40A(3) बोलता है कि 10,000 से ऊपर का सेम डे में कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई भी एसेट हम खरीदते हैं तो 10,000 रुपए से ज्यादा का उसमें कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो एसेट के कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। अगर कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो, और अदरवाइज भी वो आपका कैपिटल को लॉस कर देगा। तो दोस्तों, हमको कैश पेमेंट करते समय इतनी बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। मैं आपका दोस्त दीपंकर समददार, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और इसके लिए हमेशा मैं आभारी रहूंगा। आपके लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग जो कमेंट्स लिखते हैं और मुझे फीडबैक देते हैं, वो फीडबैक मुझे आगे का वीडियो बनाने के लिए हमेशा जोशीला बनाए रखते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप देखेंगे और आगे आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बनाने वाला हूं। ये जो मैंने कैश पेमेंट के बारे में सेक्शन 40A(3) और सेक्शन 43 मैंने बताया, इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में मैं कैश रिसिप्ट से रिलेटेड और लोन रीपेमेंट से रिलेटेड पॉइंट बताने वाला हूं, जो कि 269SS 269ST कैश रिसिप्ट से रिलेटेड है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और अगले वीडियो में ही मैं 269T के बारे में बताने वाला हूं, जो कि लोन रीपेमेंट के बारे में है। ये तीन चीज अगर अपन जान जाते हैं तो कैश रिसिप्ट और उसके बारे में भी
हमारा लोन रिपेमेंट के बारे में भी कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। अगला वीडियो मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कनेक्टेड है, जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।